अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स हार्ड 30 की पबजी टेस्ट, और आपको बताते हैं कि इन्फिनिक्स हार्ड 30 2024 में लेना कैसा है। सबसे पहले इसके ग्राफिक की बात की जाए तो इसके ग्राफिक मुझे ख्याल में तकरीबन 40 FPS इसके ग्राफिक्स हैं। HD के साथ हाई और स्मूथ के साथ इसके ग्राफिक अल्ट्रा हैं, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी कमाल की है। ये नॉन जेरो वाले के लिए सेंसिटिविटी है और जेरो वाले के भी सेंसिटिविटी है, और इसका कोड भी आप दे सकते हैं। तो इन्फिनिक्स हार्ड 30 की प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त इसकी प्राइस 30 या 35 के अराउंड है। ये डिवाइस 2020 में आई थी। अगर ये डिवाइस आप वैसे भी लेना चाहें तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अगर रिकॉर्डिंग के साथ इसको चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाइक करती है। अगर इसके जैरो की बात की जाए तो इसका जैरो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार सा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा गुजारा है। अगर ये डिवाइस आप लेना चाहें तो मेरे ख्याल में आप ये डिवाइस आपके लिए नहीं बनी है। ये वैसे तो बस टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक के लिए बनी है। अगर आप चाहें इस पे गेम भी खेल सकते हैं, इतनी भी ज़्यादा लैग नहीं करती है, बस थोड़ा बहुत कहीं पे लैग होता है इसके अंदर। अगर आपका बजट 30-35 हज़ार है तो आप इससे ज़्यादा अच्छी डिवाइस ले सकते हैं, जैसे iPhone 8 हो गया, iPhone XR हो गया, वो आपके लिए परफेक्ट डिवाइस है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, एंड एंजॉय दिस गेम प्ले। अल्लाह हाफिज़। Yeah, I'm already going to go.